हाय नमस्कार आदाब, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं नागपुर मोस्ट हैपनिंग यूट्यूब शो जिसका नाम है राज की बात जूनियर। जूनियर से बात कर रहे हैं। अब जूनियर जिंदगी में जिसके भी होंगे, मतलब मैं जूनियर्स की बात कर रहा हूँ, जिनको देखकर शायद हमारा दिल यही कहता है कि उनको उनके मुस्कुराने को देखकर सेहत संभल जाती है। वो इलाज करते हैं या दवा देते हैं पता नहीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक अलग बात होती है। आज जो मेरे मेहमान हैं वो भी मुस्कुराहट के बड़े धनी हैं और माशाल्लाह उनको देखकर आपको ऐसा बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक खाते पीते खानदान से हैं। मेरे साथ एक मेहमान है, उनका वो स्मार्ट है, वो हैंडसम है, उनकी स्माइल ज़बरदस्त है, दांत थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात इनकी है वो है ये राजकुमार है, क्योंकि इनका नाम ही प्रिंस है। वेल ही इज़ अ सुपरमैन, अ बैटमैन, आयरन मैन और प्रॉबेबली यू कैन कॉल हिम जस्ट छोटा भीम। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली प्रिंस केवलानी। हाय प्रिंस। हेलो, क्या हाल है? अच्छा। अभी से अच्छा या बचपन से? अच्छा, बचपन से। बचपन से अच्छा। प्रिंस मुझे अच्छी बताओ, कितने साल के हो? 8 साल का। 8 साल के? और स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों? लॉकडाउन है। अच्छा, स्कूल जाना अच्छा लगता था? थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करता थे ना हमारे सर, तो स्कूल में एक्सरसाइज होती थी इसलिए अच्छा लगता था। और पढ़ाई भी होती थी, मैम पढ़ाती थी, थोड़ी देर बाद हम लोग एक्सरसाइज करने चले जाते थे। तो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते थे कि एक्सरसाइज? दोनों के लिए। पहले पढ़ाई कर लेते फिर एक्सरसाइज करना। तो प्रिंस को करना क्या है, मतलब एक्सरसाइज करते हुए ही बॉडी बिल्डर बनना है कि पढ़ाई करते हुए डॉक्टर बनना है? दोनों करना। मतलब दोनों करना है। ओके। लाइफ में क्या अच्छा लगता है? खेलना। किसके साथ खेलते हो? सबसे अच्छा दोस्त कौन है? रिवान और रिद्धि। ठीक है। खाने में प्रिंस को क्या अच्छा लगता है? पिज्जा। अच्छा, एक बार में कितने पिज्जा खा सकते हो? दो। छोटे वाले कि बड़े वाले? बड़े वाले। दुनिया में पिज्जा खाने आए हो? नहीं। ओके, ठीक है। मुझे एक और बात बताओ कि प्रिंस ये सुपर हीरो वाली मूवी देखते हो, आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन? हाँ, मैं कम ही देखता हूँ, मुझे ज्यादा मजा नहीं आता। तो अपना वक्त कैसे बिताते हो? अभी स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो दिन भर फिर करते क्या हो? पढ़ाई तो करता नहीं हूँ, ऑनलाइन क्लास चालू नहीं है, गेम्स खेलते रहते हो बस। कौन सा गेम खेलते हो? बहुत सारे गेम्स हैं ऐसे तो। जैसे कि अगर टैब में चार्ज नहीं रहा तो टीवी में यूट्यूब चालू करता हूँ, देखते रहता हूँ कुछ भी। फेवरेट चीज यूट्यूब पे क्या देखते हो? यूट्यूब पे मिथ पैट। ये क्या है? मिथ पैट एक फनी यूट्यूबर है। अच्छा, मजा भी आता है। 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके। 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है? नकली होंगे? नहीं, रियल है। रियल है? हाँ, रियल है। तो तुमको यूट्यूबर बनना है क्या? नहीं। क्यों? मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता प्रिंस, क्या करना है बड़े होके? करना क्या है बड़े होके? जॉब करनी है। जॉब करना है? अच्छा, और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है तुमको घर पर, मम्मी की पापा, कौन अच्छा लगता है? मम्मी पापा दोनों। दोनों? मम्मा मेरे को प्यार करती है, पापा मेरे साथ खेलते, दोनों अच्छा अच्छे लगते हैं। ठीक है। और जब तुम बड़े हो जाओगे है ना, तो तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होगी है ना? हाँ, जो मैं बनाने नहीं वाला हूँ। क्यों नहीं बनाना मेरे को? क्यों? लड़की आती है तो लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाता है? नहीं, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। लड़की अच्छी नहीं लगती? पर तुमने तो कहा रिद्धि तुम्हारी दोस्त है। हाँ, दोस्त है ना वो, तो मजा आता है उनके साथ खेलने में मजा आता है। मुझे एक चीज बताओ कि प्रिंस को अब जैसे पिज्जा खाना पसंद है, कल को प्रिंस बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर वाइफ बोलेगी मैं तो कोकी बना के देती हूँ या मैं पराठा बना के देती हूँ, पर तुमको पिज्जा नहीं खाना है, तो फिर क्या करेगा प्रिंस? बड़ा होके तो कुछ भी खाने दूंगा मैं तो। मैं तो अभी भी पराठा खा लेता। अभी भी पराठा खा लेता? नॉर्मल वाला भी जैम वाला, मतलब जो मिल जाए वो। नहीं, ऐसा नहीं जो
कड़वी कड़वी जब मैंने टेस्ट नहीं किया ना वो नहीं खत्म। अच्छा प्रिंस, सबसे अच्छी चीज जो है वो प्रिंस को कौन सी चीजें लगती हैं, जो घर पर बनती है या बाहर बनती है? तो बाहर का पिज्जा ही पसंद है और अंदर भी पिज्जा ही पसंद है। अच्छा, ये दांत कहाँ गए तुम्हारे? टूट गए। तो सबके टूटते हैं? मैंने एक दांत तो खाने के साथ खा ही लिया था सीधा। क्या बात कर रहे हो? सच्ची। फिर? पता नहीं किधर गया वो, क्या हर जगह ढूंढा पता चला पेट में चला गया। क्या बात है? पेट में चला गया? अब ध्यान भी नहीं दिया, चबाया भी नहीं, पता नहीं अचानक से गया, इतने अचानक पता भी नहीं चला। फिर? पता नहीं। अच्छा प्रिंस को मुझे क्विकली बताओ कि प्रिंस को सबसे अच्छी हीरोइन कौन सी लगती है? मेरे को कोई नहीं लगती। करीना कपूर, कतरीना कैफ, दीपिका पादुकोण? नहीं। ओके। रणबीर कपूर, रणबीर सिंह? नहीं, कोई भी नहीं। तुम पिक्चर नहीं देखते ना? नहीं। बस फ्री फायर दिन भर? नहीं नहीं, यूट्यूब से देखता हूँ ना, यूट्यूब। अच्छा तो फ्री फायर है, यूट्यूब है, रिद्धि और रिवान के साथ खेलना है और बस हो गया, खेलते रहते हो सब कुछ में। और एक और मेरा फेवरेट यूट्यूबर है निश्ते। अच्छा, ट्रिगर्ड इंसान, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो तुम ये देखते हो क्या उसमें कि इसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं? देखते हो? सबको मैंने बेल आइकन भी दबा दिया, लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, सब कुछ कर दिया लोगों को। तो राज की बात जूनियर जो ये जो पेज है यूट्यूब पे, इसको लोगों ने क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर वीडियो लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना इसलिए है, अगर अच्छी वीडियो लगी और तो सब्सक्राइब करो। राज की बात के लिए करो, है ना? ओके, वेरी इंटेलिजेंट यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार प्रिंस। तुमको आज तक किसी ने बोला कि तुम इंटेलिजेंट हो? नहीं, नहीं। तो तुमको लोग क्या बोलते हैं, चिढ़ाता है कोई? नहीं, सब लोग घर पे सिर्फ प्रिंस फिल्म बुलाते हैं और कभी कभी बेवकूफ भी बोलते हैं। बेवकूफ? बेवकूफ कौन बोलता है? कभी कभी बोलते हैं। कौन बोलता है? नहीं, कभी कभी मम्मा या पापा बोलते हैं। नहीं, पापा कभी नहीं बोले, मम्मा बोली है। अच्छा, और मुझे एक और चीज बताओ कि सबसे अच्छी चीज जो प्रिंस को लगती है कोरोना के बाद वो क्या है? अच्छे से कपड़े लेना जब दुकानें खुल गई। हाँ। अच्छा, प्रिंस के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं? हाँ, अच्छी अच्छी बॉटल्स भी खरीदूंगा। नहीं नहीं। अच्छा, स्कूल की बॉटल्स और कौन सी वाली बॉटल? और बहुत सारी बॉटल्स खरीदूंगा घर के लिए। पापा के लिए बॉटल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? हाँ। जो पापा बॉटल पसंद करते हैं वो? हाँ, वो भी खरीदेंगे। वो भी खरीदेंगे, पापा को गिफ्ट देंगे। प्रिंसा, एक बात पूछ रहा हूँ मैं। प्रिंसा की दादी कुछ दिन पहले चली गई, तुम याद करते हो दादी को? बहुत याद करता हूँ। दादी की कौन सी चीज प्रिंसा को सबसे अच्छी लगती थी? उनका प्यार, बस। और वो खेलते भी थे, बहुत सारा खेलते। दादी से कभी अगर कहीं मिल लिए तो दादी को क्या कहोगे? कहाँ मिलूंगा मैं? कभी एक दिन सपने में मिल लिए तो क्या कहोगे दादी को? नीचे आ जाओ वापस, बस चले जाऊंगा वापस नीचे। प्रिंसा, एक चीज जो प्रिंसा कहना चाहता है सबको, कोरोना में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मास्क पहनो और अगर छींक मत मारो, बस। छींक मत मारो? हाँ, छींक मारना है तो ऐसे हाथ करो, फिर सैनिटाइजर करो, फिर आराम से सैनिटाइज करो, पहले छींक मारो, सैनिटाइज करो, हो गया। ठीक, और फिर छींक मारो, फिर छींक मारो, वापस सैनिटाइज करो। प्रिंस, आपको और मैं, आप बहुत प्यारे हो। हाँ, पता है आपको? हाँ। आप ऐसे ही रहोगे ना हमेशा? नहीं। बदल जाओगे? हाँ। क्यों? बड़े हो गए, ऑब्वियसली बदलूंगा ही है। सब बदल जाते? हाँ। पर एक चीज जो प्रिंस में नहीं बदलेगी वो क्या नहीं बदलेगी? मेरा मुंह। मुंह? शकल? शकल हमेशा ऐसी रहेगी? हाँ।
हाइट बढ़ जाएगी, बॉडी बढ़ जाएगी, बट प्रिंसू की शक्ल ऐसी ही रहेगी, कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। कुछ चाहिए भी नहीं। चाहिए प्रिंस की मुस्कुराहट, प्रिंस की बातें, या शायद इस उम्र में रहने वाले सब बच्चों की बातें शायद हम लोगों को एक बात समझाती हैं, और वो शायद ये समझाती हैं कि जो बात प्रिंस ने अपनी दादी के लिए कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रिंस ने अपनी दादी को खोया है जिन्होंने यू नो कोरोना की वजह से उनका देहांत हुआ, लेकिन प्रिंस एक बात शायद अपने सपनों में जाकर भी अपनी दादी से कह दें, जो बात शायद हम उम्र में बड़े रहने वाले लोग शायद इस बारे में सोचे भी ना, जो शायद प्रिंस ने कह दी कि वो अगर सपनों में भी दादी से मिलेगा तो उनको कहेगा कि नीचे आ जा। ज़िंदगी ऐसी है, जाने के बाद वापस आने का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, लेकिन जो वक्त मिला है उसको हम ज़ाया ना करें, उसको हम और खूबसूरत कैसे बनाएं, बस यही कोशिश करें। और वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश करते रहिए, अपने बचपने को अपने अंदर में जीते रहिए और ज़िंदा रहिए। जय हिंद।